हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के? आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे, और हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि एक तो जो सीधे टाइमलाइन चल रही है वो एक तरीका है पढ़ने का, और उस टाइमलाइन से हटके जो है चार चीज़ों से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो थे प्रेस, पीजेंट, बुक्स और सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स। ठीक है, तो इनमें से तीन से रिलेटेड एक एक लेक्चर अलग से बनाया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में हिस्ट्री की। ठीक है, प्रेजेंट मूवमेंट के लिए अलग से एक लेक्चर है, बुक्स के लिए अलग से एक बुक्स का नहीं है ओनली, बाकी प्रेस का है, प्रेजेंट मूवमेंट का है और सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, इन तीनों का अलग से एक लेक्चर है। ठीक है, जिसमें पूरा बताया है मैंने। ठीक है, तो उनको आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो वो इसीलिए डिजाइंड है, अलग से डिजाइंड है कि आप उससे पढ़ के पूरा कर पाए एक ही लेक्चर में। तो उनका बनाने का उद्देश्य ही ये है कि आप उसको एक जगह कॉम्पैक्ट रूप में मिले वो आपको। बाकी आज हम करेंगे जो हमारी टाइमलाइन के हिसाब से सीधे सीधे जो हिस्ट्री चल रही है वो, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे और 9 के करीब क्वेश्चन जो है उनसे पूछे गए थे जो स्पेशल है। तो उसमें ओनली बुक्स का ही बाकी है। तो जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं टाइमलाइन के साथ जो हमारी बुक्स आती हैं या कोट्स आते हैं, किसने क्या कहा या कौन सा जर्नल चलता था न्यूज़पेपर, तो ऐसा नहीं कि हम अलग से जो लेक्चर है उसी में है ओनली, बाकी भी हम पूरा साथ में स्टडी करते ही हैं। और अगर कोई मतलब जो बुक्स का एक अलग से है वो मैं, और जितनी ज़्यादा बुक्स मुझे मिल पाएंगी उतनी लेके मैं अलग से उसका भी एक लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, अभी हम टाइमलाइन की बात करते हैं। और टाइमलाइन में हमने बात करी थी एरा ऑफ मॉडरेट्स तक की, जो सूरत स्प्लिट हुआ था, बंगाल विभाजन, इन सब की बात हम कर चुके थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे होम रूल मूवमेंट की। ठीक है, होम रूल लीग जो आंदोलन हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के केस में, ये हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए क्या क्या रिस्पॉन्स थे, क्या क्या किसने कहा, होम रूल लीग आंदोलन किस तरह हुआ, उसके बाद जो 1919 का समझौता है और जो 1919 का जो एक्ट है और जो पूरी एक स्टेज किस तरह बना गांधी जी के लिए। ठीक है, गांधी जी के आने से पहले, इमरजेंस ऑफ गांधी से पहले एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म उनके लिए किस तरीके से प्रिपेयर था। 1916 में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो है मिल गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लखनऊ समझौता जो हुआ, लखनऊ पैक्ट जिसको बोलते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, और साथ ही जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो पार्ट बन गए थे कांग्रेस के, वो भी यूनाइट हो गए। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है 1916 का, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि 1914 से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उसके लिए मॉडरेट्स ने जो है सपोर्ट किया ब्रिटिश का, ए मैटर ऑफ ड्यूटी मान के। एक्सट्रीमिस्ट में जो गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, वो भी जब 1914 में, जून 1914 में रिलीज हुए, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया ये सोच के कि अगर हम इस समय साथ देंगे, आवर ऑफ क्राइसिस में, इस बुरे समय में अगर हम साथ देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो वो हमें एक तरीके से स्वतंत्रता दे देगी, हमारी वफादारी से खुश होकर, ऐसा उनको लगा। ठीक है, और जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एक्टिविस्ट थे, जो मीन्स ओवरथ्रो कर देना चाहते थे गवर्नमेंट को, उनको लगा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान जो है भटका हुआ है युद्ध की तरफ, तो अपन के पास एक मौका है कि हम अब इसको उखाड़ फेंक सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग उनके थे कि मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी मान के, एक्सट्रीमिस्ट ने सपोर्ट किया ये मान के कि हम सपोर्ट करेंगे तो हमें स्वतंत्रता ये लोग दे देंगे, और रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट ने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी। ठीक है, कि इस अपॉर्चुनिटी में हम जो है इनको उखाड़ फेंक सकते हैं। तो होम रूल लीग मूवमेंट की हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से लीडर इन्वॉल्व थे। और अगर आपने प्रीवियस पेपर को देखा है तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि जो बहुत ही फेमस नाम है उनसे निकल के अब यूपीएससी जा रही है, थोड़ा सा कम फेमस लोगों की तरफ, जिनके बारे में आपको इतना नहीं पता हो उन तक जा रही है, इसलिए हमको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम ओनली फेमस पढ़ के छोड़ दें। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रोमिनेंट लीडर्स की, किसमें कौन कौन से लीडर ज्वाइन थे, किन किन का नाम जुड़ा हुआ था इससे। ठीक है, ये सबसे पहले हमको देखना। तो इसमें थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, जिन्होंने दो अलग अलग लीग बनाई थी, तो ये तो सबसे महंगे ही। ठीक है, और कौन कौन थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के अलावा? जीएस खपाडे, एस सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बेप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना, ये और कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे शुरुआत में। फिर बाद में किस किस ने इसको ज्वाइन किया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चितरंजन दास, के एम मुंशी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और लाला लाजपत राय, ये वो नाम थे जो इस आंदोलन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। इनमें से बहुत सारे जो थे वो एनी बेसेंट की जो लीग थी उसके
हेड थे जगह जगह के, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बॉम्बे डिवीजन के हेड थे, ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह के हेड थे, इस तरीके से जुड़े हुए थे। और जो गोखले की, गोपाल कृष्ण गोखले की जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, उसके भी कुछ लोग इससे जुड़े हुए थे, इस आंदोलन से, और साथ में जो मॉडरेट्स थे कुछ कांग्रेस के, वो भी इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो हम बात करेंगे किस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ा। उसके पहले हमें देखते हैं कि वजह क्या थी इस आंदोलन के होने की। ठीक है, तो नेशनलिस्ट का जो एक सेक्शन था, उसको फील हुआ कि कांग्रेस जो है साल भर में एक मीटिंग कर लेती है, उससे होने वाला नहीं है, हमको लगातार दबाव बना के रखना होगा, तभी हमको जो है कंसेशन कुछ अच्छा, अगर हम गवर्नमेंट चाहते हैं अपने लिए, तो तभी मिल पाएगा जब हम पूरे साल दबाव बना के रख सकें, यानी अलग से एक आंदोलन की जरूरत है। दूसरा, मॉडरेट्स जो थे वो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में उलझे हुए थे, उनको उन्होंने गाजर दिया हुआ था गवर्नमेंट ने कि हम जो अच्छे सुधार लाएंगे, तो उनका ध्यान उधर था। और लोगों को लग रहा था कि जो वार टाइम मिजरीज है, यानी जो युद्ध की वजह से जो उनको कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए उनको एग्रेसिव मूवमेंट की एक जरूरत है। ठीक है, और ये तो सबको हो गया था, पता लग गया था कि जो है वाइट सुपर पावर है, मतलब एक वाइट सुपीरियरिटी की, जो गोरे लोग हैं उनको हरा नहीं सकते, वो सब जो है युद्ध से पता लग गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे देश भी जीते। ठीक है, और जो तिलक जी आजाद होके आए थे, तो वो लीडरशिप उठाने के लिए तैयार थे। ठीक है, और एनी बेसेंट जो थी वो आयरिश मूल की थी, 1896 से इंडिया में रह रही थी, 1896 तक, तो उन्होंने लगा कि अब जो है आयरिश होम रूल लीग के आधार पर मैं इंडिया में भी चला सकती हूँ, और इंडिया में डिमांड कर सकते हैं हम सेल्फ गवर्नमेंट की। ठीक है, जैसे आयरिश के लिए मांग की थी, तो भले ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर ही, लेकिन हमारा रूल हम चलाएंगे, इस तरीके से मांग की जा सकती है। और जब 1914 के सेशन में, 1914 के कांग्रेस के सेशन में, जिसमें भूपेंद्र नाथ बोस जो थे अध्यक्ष थे, मद्रास में सेशन हुआ था, वहां पे जब मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का यूनियन नहीं हो पाया, तब फिर ये हो गया कि जो है हमको करना ही पड़ेगा, अलग से अपनी जमीन ढूंढनी पड़ेगी। तो 1915 में, 1915 में एनी बेसेंट ने एक कैंपेन चालू कर दिया, जिसको उन्होंने कहा सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, कि हमें जो है सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया चाहिए आफ्टर द वार। और इनके दो क्रॉनिकल्स, दो न्यूज़पेपर उस टाइम चलते थे, जिसका नाम है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये ध्यान रखें किसके द्वारा चलते थे, एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, तो 1915 में कोशिश की इन लोगों ने बहुत, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, कि एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स हैं उनका लिंकअप हो जाए, किसी तरह पैचअप हो जाए, लेकिन जब वो नहीं हो पाया, ठीक है, तो जो 1915 में एक काम तो हुआ कि ये कह दिया एनी बेसेंट ने कि जल्दी से आप जो है होम रूल लीग को अपनाओ, तो उसको तो कांग्रेस ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये हुआ कि लोकल लेवल कांग्रेस कमेटी बनाई जाएंगी और एजुकेशन के प्रोपेगेंडा को उठाया जाएगा, ये कांग्रेस ने कहा। ठीक है, और एनी बेसेंट ने कहा कि अगर कांग्रेस अपने कामों को नहीं करती है, तो फिर मुझे अपनी लीग बना के करना पड़ेगा। बाद में उनको अपनी लीग बनानी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन फिर भी 1915 के सेशन में ये काम हुआ। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा जो इसके अध्यक्ष थे 1915 के सेशन के, बॉम्बे में सेशन हुआ था, ठीक है, ये पहले ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बने, इसीलिए इनके नाम के आगे लॉर्ड लगता है। तो ध्यान रखें 1915 का जो सेशन था बॉम्बे में, उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, जो पहले इंडियन थे ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड के। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि फिर इनको अपनी लीग जो है बनानी पड़ी, और दोनों ही लीग ने, जिससे कि इनका फ्रिक्शन ना हो आपस में, कोई इनको दिक्कत ना आए, इसलिए इन्होंने स्पीयर अपने अलग रखे। ठीक है, एक ने महाराष्ट्र को टारगेट किया और एक ने मद्रास को टारगेट किया, तो इस तरीके से इनकी अलग अलग लीग बनी। तिलक की जी की जो लीग थी, उन्होंने नाम रखा इंडियन होम रूल लीग, अप्रैल 1916 में इन्होंने इसको सेटअप किया। ठीक है, इसकी पहली मीटिंग जो है बेलगाम में हुई, और पूना इसका हेडक्वार्टर था। इसने अपने जो फंक्शंस थे वो रेस्ट्रिक्ट किए, कहाँ कहाँ तक, महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में बॉम्बे सिटी को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, सेंट्रल प्रोविंसेस में और बेरार में। ठीक है, छह इनकी मेन ब्रांचेस थी, और इन्होंने जो है डिमांड्स अपनी रखी, स्वराज्य, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी भाषा के आधार पर आप राज्य बनाइए, स्वराज्य दीजिए और एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, यानी इंग्लिश के अलावा आप लैंग्वेजेस में हमको एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। ये बात थी तिलक जी की लीग की। अब बेसेंट, एनी बेसेंट की जो लीग थी, उन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में बनाई। ठीक है,
और तिलक जी की ओनली 6 ब्रांचेस थी, इनकी 200 ब्रांचेस थी, यानी तिलक जी के अलावा जो छोटा हो पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया था वो इन्होंने कवर किया, 200 इनकी ब्रांचेस थी। अब जितनी ज्यादा ब्रांचेस होगी उतनी लेस ऑर्गेनाइज होगी, तो तिलक जी की लीग की तुलना में लेस ऑर्गेनाइज थी, ठीक है। और जो बॉम्बे सिटी वहां से छोटी वो भी इन्हीं की लीग में आती थी, ठीक है। और जॉर्ज अरुण दाले ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, और इसके अलावा कौन कौन थे मेन वर्क के लिए, बी डब्ल्यू वाडिया एंड सी पी रामास्वामी अय्यर, ठीक है। तो एनी पेशेंट की लीग से जुड़े हुए लोग कौन कौन हैं, जॉर्ज अरुण दाले ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, बाद में गिरफ्तार भी किया गया इनको इसीलिए, और लोग कौन थे, बी डब्ल्यू वाडिया और सी पी रामास्वामी अय्यर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ये सब रीजन थे और ये सब इस वजह से जो है किया इन्होंने, तो इसमें लगभग हर वर्ग ने भाग लिया, लेकिन किसने भाग नहीं लिया ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो एंग्लो इंडियंस ने, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स ने और नॉन ब्राह्मण्स ने इसमें पार्ट नहीं लिया। रीजन क्या था, इनको ऐसा लगता था कि जो होम रूल की जो मांग कर रहे हैं, ठीक है, स्वराज्य की जो मांग कर रहे हैं, ये बेसिकली हिंदू स्वराज्य होगा, हिंदू में भी अपर कास्ट का ब्राह्मण का स्वराज्य होगा, इसलिए इन्होंने इसमें पार्ट नहीं लिया। अब गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था, गवर्नमेंट रिप्रेस ही करेगी, दबाएगी, ठीक है। तो जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके जितने एसोसिएट थे, बीपी वाडिया, जॉर्ज अरुण दाले, सबको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड का त्याग कर दिया, ठीक है, और तिलक जी ने एक प्रोग्राम जो है पैसिव रेजिस्टेंस का घोषणा कर दी। पैसिव रेजिस्टेंस मीन्स हम गवर्नमेंट का हम सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। तो जो मिस्टर जो मिसेस बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी, उनके लिए मॉन्टेग्यू जो उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने एक लाइन कही है, ठीक है, इसका ध्यान रखें। पूछा जाता है किसने कहा, किसके लिए कहा है, तो मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है एनी बेसेंट के लिए, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा है कि शिवा कट हिज वाइफ इनटू 52 पीसेस ओनली टू डिस्कवर दैट ही हैड 52 वाइव्स, यानी शिवा एक कोई बंदा है, वो अपनी वाइफ को जो है 52 हिस्सों में काट देता है, 52 टुकड़ों में काट देता है, ये देखने के लिए कि उसके पास 52 बीवियां हैं। ऐसा हमारे साथ होता है जब हम इंटर्न करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इंटर्न करती है मिसेस बेसेंट के साथ में, तो ये कहा गया है मॉन्टेग्यू के द्वारा एनी बेसेंट के लिए, ठीक है। अब ये आंदोलन जो है 1919 तक जाके धीरे धीरे फेड हो गया, ठीक है, गायब हो गया। उसका रीजन क्या था, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। 1917-18 में कम्युनल राइट्स हुए, ठीक है, और मॉडरेट्स जो थे वो जब इनको अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद मॉडरेट्स जो है उससे हटने लगे, और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो पैसिव रेजिस्टेंस की जब बात की बाल गंगाधर तिलक जी ने तो वो उससे हटने लगे, ठीक है। पैसिव रेजिस्टेंस की बात की तो मॉडरेट्स हटने लगे, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर भी वो हटने लगे, यानी लोग बटने लगे कि कोई सोच रहा है कि सुधार होने वाले हैं, कोई सोच रहा है इनको अरेस्ट कर लिया हमको भी कर लेंगे, और कोई सोच रहा है कि पैसिव रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तिलक जी तो फिर से अरेस्ट होगा, ठीक है। तो इन सब रीजन की वजह से लोग बढ़ते चले गए और ये आंदोलन जो है हटता चला गया। गांधी जी का फ्रेश अप्रोच जो है आया कि उनका एक अलग तरीका वो लेके आए, ठीक है, और एक किताब लिखी वैलेंटाइन चिरोल ने, ठीक है, वैलेंटाइन कायरोल ने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडियन अनरेस्ट, जिसमें उन्होंने तिलक जी को बताया रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिटेशनल पॉलिटिक्स, जो भी आंदोलनकारी राजनीति हो रही है उसका कारण उन्होंने तिलक जी को बताया, ठीक है, इसीलिए भारतीय संतोष का जनक भी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ध्यान रखें। तो उसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ा, अब्रॉड जाना पड़ा, तो भी यहाँ पर लीडरशिप डेली हुई, और लास्ट में 1920 में गांधी जी ने जो है प्रेसिडेंटशिप स्वीकार की और इसका नाम बदल के स्वराज्य सभा कर दिया, और एक साल के अंदर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल गया आंदोलन। तो इस तरीके से ये गायब हो गया, लेकिन इसके गेंस क्या थे, इससे फायदा क्या हुआ कि जो हम एक बात कर रहे थे सुधारों की, उससे हटके स्वराज्य पे आया, ठीक है, ये गांव गांव तक पहुंचा, गली गली तक पहुंचा, पूरे इंडिया के लोकल लेवल पे ये आंदोलन पहुंचा, ठीक है। और जो 1917 में मॉन्टेग्यू ने जो डिक्लेरेशन किया था, 1917 अगस्त 1917 का जो डिक्लेरेशन था वो इसी की वजह से आया था, और इनके जो एफर्ट्स थे एनी बेसेंट और तिलक के, उसकी ही वजह से 1916 में जो है फिर से पैचअप हुआ। तो अब हम बात करते हैं पैचअप की, लखनऊ सेशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, लखनऊ पैक्ट जिसको हम बोलते हैं 1916 में। तो इसकी जो हेड थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने ये कहा कि आफ्टर नियरली 10 आवर्स ऑफ पेनफुल सेपरेशन, ठीक है, लगभग 10 साल पेनफुल सेपरेशन के,
और वांडरिंग्स के यानी भटकने के बाद में ये सबको समझ में आ गया है कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का साथ रहना ही जरूरी है, और ये समझ में आ गया है कि यूनाइटेड दे स्टैंड बट डिवाइडेड दे फॉल, यानी साथ रहेंगे तो वो कुछ कर सकते हैं, अलग हो जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके रीज़न क्या क्या थे रीयूनियन के, वो हम रीज़न देखते हैं कि जो ओल्ड कंट्रोवर्सीज थी कि आरोप लगाते थे एक्सट्रीमिस्ट के आप ढीले हो, ठीक है, और मॉडरेट्स कहते थे कि तुम जो है बंद करवा दोगे सबको, तो वो उन कंट्रोवर्सीज का कोई मतलब नहीं दे गया था। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को समझ में आ गया था कि अलग हो जाएंगे तो पॉलिटिकल इनएक्टिविटी बनेगी। एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा जो बहुत ज़्यादा संघर्ष किए गए इनको मिलाने के लिए, ठीक है, वो रीज़न थे। तिलक जी ने बोल दिया कि अब मैं वायलेंस का साथ नहीं दूंगा और मैं भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रिफॉर्म चाहता हूँ, ओवरथ्रो नहीं चाहता गवर्नमेंट का, ठीक है, उखाड़ फेंकना नहीं चाहता, सपोर्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का और किसी तरह से हमें सेल्फ रूल मिल जाए उसका काम करूँगा। ये रीज़न था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी भी सोच में सुधार आया, मतलब बदलाव आया। और जो दो मॉडरेट्स थे गोखले और फिरोज शाह मेहता, इनकी डेथ हो गई थी जो उस टाइम पे काफ़ी विरुद्ध थे, तो ये भी एक रीज़न था। तो इन सब रीजन्स की वजह से जो है रीएडमिशन हुआ एक्सट्रीमिस्ट का कांग्रेस में। और दूसरा क्या काम हुआ, मुस्लिम लीग भी साथ में आई, लेकिन मुस्लिम लीग किस तरह से साथ में आई पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कारण थे कि मुस्लिम लीग अब साथ में आ गई। जब तुर्की की लड़ाई, टर्की की लड़ाई हुई थी, क्योंकि टर्की जो है रूल्ड था खलीफा के द्वारा और खलीफा मुस्लिम्स का एक लीडर था रिलीजन और पॉलिटिकल हर तरीके से, तो जब खलीफा की लड़ाई हुई, टर्की की लड़ाई हुई, तो ब्रिटेन को सपोर्ट करने के लिए बोला इंडियन मुस्लिम्स ने कि आप ब्रिटेन उसका सपोर्ट करें टर्की का, लेकिन वो नहीं किया, ठीक है। बलकान्स के साथ उसकी लड़ाई 1912-1913 में और इटली के साथ 1911 में, लेकिन कभी भी ब्रिटेन ने उसका सपोर्ट नहीं किया। दूसरा, जो एक गाजर दिखा के बंगाल का विभाजन किया गया था कि हम जो है आपको बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स देंगे, लेकिन वो बाद में उन्होंने रद्द कर दिया, ठीक है, तो उनको समझ में आया कि ये अपने फायदे के लिए कर रहे थे, हमारे फायदे के लिए नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी कि मुस्लिम लीग के व्यवहार में चेंज आया और उनको क्या लगा कि हमको भी सेल्फ रूल चाहिए, ठीक है, इसलिए हमें कांग्रेस और जो पार्टी उनका साथ देना चाहिए। दूसरा, जो मुस्लिम लीग थी उसकी लीडरशिप अब आई थी यंग लीडर्स के हाथ में, ठीक है, पहले वाले यंग नहीं, मतलब जो बूढ़े थोड़े लोग थे, ओल्डर लोग थे, उनसे निकल के अभी यंग मुस्लिम्स के हाथ में आई थी। तो यंग पार्टी आप इसको एक तरीके से कह सकते हो। तो ये यंग पार्टी जो थी मुस्लिम लीग को लीडरशिप अब यंग के हाथों में आई थी, वो चाहते थे कि हम जो है सप्रेशन जो फेस कर रही है मुस्लिम लीग, ठीक है, जैसा मौलाना आजाद के अली लाल और मोहम्मद अली के कॉमरेड्स के साथ हुआ, तो उस टाइम पर उन्होंने सप्रेशन से हटने के लिए कांग्रेस का साथ देना ज़्यादा सही समझा। और उन्होंने सोचा कि हमको जो है वर्किंग विद अदर ग्रुप्स, यानी अगर हम साथ देते हैं किसी तरीके से, होम रूल हमको मिलता है हमारी शर्तों के आधार पे, तो हमको करना चाहिए। लेकिन उनके समझौते की क्या क्या शर्तें थी, उन्होंने कहा कि सेपरेट जो इलेक्टोरेट्स हैं, ठीक है, वो मिलेंगे अभी भी मुस्लिम्स के लिए, और एक फिक्स प्रपोर्शन फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, मुस्लिम्स का उनकी जनसंख्या के आधार पर नहीं, एक फिक्स प्रपोर्शन हर प्रोविंशियल लेवल पे और ऑल इंडिया लेवल पे उनको दिया जाएगा। साथ में कांग्रेस की उन्होंने क्या डिमांड मानी कि हम कांग्रेस के साथ जॉइंट डिमांड्स पेश करेंगे, अलग से नहीं पेश करेंगे। तो इस तरीके से पैक्ट था, उन्होंने मान लिया हम जॉइंट डिमांड पेश करेंगे, और इन्होंने कहा कि हमारा जो फिक्स प्रपोर्शन है वो हमको मिलना चाहिए और दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो जॉइंट डिमांड्स दोनों की थी वो क्या थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो अवधि है वो 5 साल की होनी चाहिए, सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो यहाँ से नहीं ब्रिटिश फंड से जाना चाहिए, मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल चाहे प्रोविंशियल लेवल हो चाहे गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, उसके आधे मेंबर जो है वो इंडियंस होने चाहिए, और गवर्नमेंट को जो है सेल्फ गवर्नमेंट एक अर्ली डेट पे दे देनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज बनानी चाहिए सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पे, और ज़्यादा हमको इलेक्टेड मेजोरिटी और पावर्स देनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जॉइंट डिमांड्स इन्होंने पेश की, लेकिन मुद्दा वही रहा, मुस्लिम लीग आई तो सही लेकिन उसने फिर भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगे अपने लिए। तो ये ध्यान रखें कि मुस्लिम लीग ने अलग, मतलब मर्जर नहीं किया, एक तरीके से साथ मिली लेकिन फिर भी दो पार्टियां वो रहीं, ठीक है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने मासेस को, यानी दोनों मतलब मासेस को, जो मास कांग्रेस के साथ खड़ा है जो जनता, और जो जनता मुस्लिम लीग के साथ खड़ी, हम दोनों के साथ आंदोलन करेंगे, ये नहीं कहा, यानी जुड़ के भी वो दो अलग पार्टी ही रही, ठीक है।
और इतना सब कुछ हो जाने के बाद में फिर एक मोंटेग्यू स्टेटमेंट, जिसे अगस्त 1917 का स्टेटमेंट कहते हैं, वो मोंटेग्यू ने कहा, क्या कहा उन्होंने, जिसकी बात हमने पहले भी की है, जो आज तक नहीं कहा था, गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑफ एन इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हर ब्रांच में एडमिनिस्ट्रेशन की हम इंडियन का पार्टिसिपेशन चाहते हैं, एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस विद अ व्यू टू प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के रूप में हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो नए टर्म्स आए थे, सेल्फ गवर्नमेंट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो ये सबसे ये उन्होंने बताया कि हम जो है हम राज नहीं करना चाहते, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। ये भी बेसिकली एक गाजर ही था, ठीक है, कैरेट एंड स्टिक के तहत ही काम किया गया था। तो लेकिन ये इन्होंने कह दिया, तो अब जो है सेडिशियस नहीं रह जाएगा, भड़काऊ भाषण, और आप गिरफ्तार नहीं कर पाओगे कोई सेल्फ गवर्नमेंट की अगर बात करता है, जैसे पहले हो जाता था, तो ये इसका इफेक्ट हुआ, ठीक है। इंडिया के इस पे ऑब्जेक्शंस क्या थे कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं था कि इतने टाइम में हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, ठीक है, और दूसरा गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि कब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जाएगी, कब इंडियंस जो है इस लायक हो जाएंगे, तो ये सब डिसाइड कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करेगी। तो ये इसके कुछ जो बुरी लगी चीजें लोगों को वो थी। अब हम बात करते हैं 1919 का जो एक्ट था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, ठीक है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं कि उसके तहत क्या क्या कहा गया और उसके तहत क्या क्या लोगों ने क्या क्या व्यूज दिए, ठीक है, जिससे हम अगले लेक्चर से फिर गांधी जी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या सिनेरियो था उस टाइम पे, वो सिनेरियो ये था कि वार के बाद में जो है इंडस्ट्री सब बर्बाद हो गई थी, ठीक है, वर्कर्स आर्टिस्ट बेरोजगारी से जूझ रहे थे, किसानों से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा था, सोल्जर्स जो लौटे इतना साथ देके, उसके बाद भी उन्होंने एक और गरीब देश को पाया, ठीक है, एजुकेटेड अर्बन क्लास को समझ में आ गया था कि ये लोग जो है सिर्फ अपनी ही कॉलोनीज बचा रहे हैं, और इतना फिक्स हो गया था कि जिस भी नेशनलिस्ट को लगता था कि ये हमको सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे, ये क्लियर हो गया कि ये तो खुद की कॉलोनीज बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट था रशियन रिवॉल्यूशन का, रूस की क्रांति हुई जिसमें पहला सोशलिस्ट, पहला समाजवादी स्टेट जो है व्लादिमीर इलिच उलियानोव या लेनिन के नेतृत्व में सोवियत यूनियन बना, और उन्होंने चाइना और रेस्ट ऑफ एशिया को भी राइट्स दिए सेल्फ डिटर्मिनेशन के, ठीक है। तो अक्टूबर क्रांति इसको कहते हैं, अक्टूबर रिवॉल्यूशन ने बताया कि पब्लिक में जो है दम होता है, पब्लिक कितने भी बड़े साम्राज्य को उखाड़ के फेंक सकती है अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हैं और डिटरमाइंड हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद में सब 1916 में सब मिल गए, मुस्लिम लीग एक्सट्रीमिस्ट सब मिल गए कांग्रेस से, और फिर इतना कुछ हो गया, ठीक है, अक्टूबर क्रांति हो गई, सब मतलब युद्ध वुद्ध सब हो गए। तो फिर उसके बाद में कैरेट एंड स्टिक अप्रोच के थ्रू जो कैरेट दिया वो था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और जो स्टिक थी वो थी रोलट एक्ट, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं कैरेट की, तो इसके बारे में हमने डिटेल में बात की पॉलिटी के लेक्चर में भी, इसके मेन मेन हम देख लेते हैं कि मेन मेन क्या सुधार किए गए थे और क्या क्या दिक्कत थी इंडियंस को, ठीक है। तो यहाँ पे डायर की जो है डबल रूल जिसको बोलते हैं, प्रोविंशियल में लाया गया था, जिसके तहत जो है ट्रांसफर्ड और रिजर्व दो सब्जेक्ट बांटे गए थे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है वो गवर्नमेंट डील कर सकती थी विद एड ऑफ मिनिस्टर्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी मिनिस्टर्स की सहायता से काम करेगी और वो रिस्पॉन्सिबल होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। रिजर्व जो सब्जेक्ट हैं वो गवर्नमेंट यानी जो सेंट्रल वाली गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से चलाएगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हिसाब से, और वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगी। सब्जेक्ट्स को जो है बांट दिया गया, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर फिर भी यूनिटरी रहा, सेंट्रलाइज्ड ही रहा। अभी भी जो चुने हुए लोग थे उनकी मेजोरिटी से कोई काम नहीं हो सकता था। बायकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस पहली बार दिए गए, ठीक है, अपर हाउस लोअर हाउस दो बनाए गए, बायकैमरलिज्म दो हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस जो आज भी चलते हैं, अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको राज्यसभा आज हम कहते हैं, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आज हम लोकसभा कहते हैं, ठीक है। वाइस रॉय काउंसिल में 6 में से 3 लोग जो है इंडियन हो सकते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए गए सिख इंडियन एंग्लो इंडियन यूरोपियन के लिए। बहुत ही लिमिटेड लोगों को फ्रेंचाइज दिया गया। अब जो लंदन में हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया रहेगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम करेगा, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया 1926 में इसके इसी के आधार पर, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स के लिए बनाया गया। प्रोविंशियल बजट और जो
प्रोविंशियल बजट को अलग किया गया और अब जो प्रोविंसेस थी वो अपना बजट बना सकती थी, और एक स्टेचुटरी कमीशन हम बनाएंगे जो 10 साल बाद हमें रिपोर्ट देगा, ठीक है, कि गवर्नमेंट किस तरह चल रही है। तो ये सारे प्रावधान इसमें किए गए थे, लेकिन बात वही रही ढाके तीन पात की, जो हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे वो तो हमें नहीं मिली, ठीक है। बात ले देखे वही रही कि फ्रेंचाइज लिमिटेड रहा, बहुत ही लिमिटेड फ्रेंचाइज था, 260 मिलियन जनसंख्या थी, उसमें से लगभग 1.5 मिलियन को जो है फ्रेंचाइज मिला था, ये दिक्कत थी। कोई कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं आया, अभी वायसराय उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में ही कंट्रोल था। सब्जेक्ट्स का जो डिवीजन था वो हमारे हिसाब से सही नहीं था किसी भी तरीके से, ठीक है। सीट्स का जो एलोकेशन किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेचर का, वो खुद की उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस देखी, जैसे बॉम्बे की कमर्शियल इम्पोर्टेंस को देख के, पंजाब की मिलिट्री इम्पोर्टेंस को देख के सीट्स का एलोकेशन किया। जो मेन सब्जेक्ट थे इरीगेशन, फाइनेंस, पुलिस, प्रेस, जस्टिस, वो रिजर्व्ड में रख दिए गए, यानी कोई हेड भी बनेगा, बजट भी बनाएगा तो वो अपने मन के तो काम बिल्कुल कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे आज भी केजरीवाल सरकार को दिक्कत आती है, दिल्ली की सरकार को दिक्कत आती है, तो उस तरीके के सारे ही मैटर उन्होंने अपने पास ले लिए थे, ठीक है। तो जिससे दोनों के बीच में हमेशा टसल चलता रहेगा, जो मंत्री उसको तो फिर भी अपने मंत्रियों की सलाह लेनी पड़ेगी अपनी काउंसिल की, लेकिन जो गवर्नर है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो सलाह भी नहीं लेगा मंत्रियों से, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने, मतलब इंडियंस ने इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस ने इसको कहा डिसअपॉइंटिंग और अनसेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। और तिलक जी ने इसके लिए क्या कहा, अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग ए सनलेस डॉन, यानी बिना सूरज की ये भोर है, ठीक है, ये कहा तिलक जी ने। और एनी बेसेंट ने क्या कहा, अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट, यानी इंग्लैंड इसको ऑफर करे इस लायक भी नहीं है और इंडिया इसको एक्सेप्ट करे इस लायक नहीं, यानी किसी लायक ये नहीं है। कांग्रेस ने कहा डिसअपॉइंटिंग अनसेटिस्फैक्ट्री, और किसने क्या कहा ये हम देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 फोर्ज्ड फ्रेश फेटर्स फॉर द पीपल, यानी नई बेड़ियां, ताजा बेड़ियां लेके आया है। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स वर ओनली ए मेथड ऑफ फर्दर ड्रेनिंग इंडिया ऑफ हर वेल्थ एंड ऑफ प्रोलॉन्गिंग हर सर्विट्यूड, यानी और ज्यादा ये वेल्थ को इंडिया के ले जाने के लिए है, और ज्यादा दास ये बनाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें कही गई। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि जब कैबिनेट ने सेल्फ गवर्नमेंट, अल्टीमेट सेल्फ गवर्नमेंट कहा, तो वो ये बताना भूल गई कि 500 साल का इसमें वक्त बताना भूल गई, यानी बिल्कुल भी उन लोगों का मन नहीं था। क्या कहा लॉर्ड कर्जन ने, व्हेन द कैबिनेट यूज्ड द एक्सप्रेशन अल्टीमेट सेल्फ गवर्नमेंट दे प्रोबेबली कंटेम्प्लेटेड एन इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ 500 ईयर्स, ठीक है, यानी 500 साल तक भी हम नहीं देने वाले हैं, ये उस टाइम बताना भूल गई थी। तो ये सारी बातें हुई। इसके बाद में फिर गांधी जी पॉलिटिकल सीन पे आ जाएंगे देश के लेवल पर, और फिर आगे किस तरीके से होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो साथ में जो भी हमारे जर्नल्स बुक्स जो भी आ रही हैं हम उनकी बात करते जा रहे हैं, वो भी आप नोट करते रहिए, और ये हमारी टाइमलाइन चल रही है जो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी 1947 तक, ठीक है। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।